एक आदमी भी नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हो पूरी खाली है, इधर भी पूरी खाली है। हमेशा मतलब हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। इसके अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ, फ़ोन भी बचाना है तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा। तो ही गाइज वेलकम बैक ऑन माय अदर ब्लॉग, और आज मैं हूँ दिल्ली के एक और अंडररेटेड मॉन्यूमेंट के पास जिसका नाम है मोट मस्जिद। इसे काफ़ी कम लोग कवर करते हैं क्योंकि कोई दिखाता नहीं है, बट मैं आपको इसे पूरा दिखाऊंगा, पूरा घुमाऊंगा। और यहाँ मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं जिनका नाम है दीपक। हे भाई, देख सकते हो इनका भी रिव्यू, एक ट्रेवल ब्लॉग है जिनका नाम है दीपक के भी ट्रेवल ब्लॉग, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इन्हें भी देख लेना एक बार। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ अंदर मॉन्यूमेंट और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो। तो देख सकते हो आप यहाँ से होती है हमारी मस्जिद में एंट्री, और चलते हैं अब यहाँ से अंदर, आपको दिखाते हैं सारे मॉन्यूमेंट्स कैसे कैसे चीज़ें हैं। ये देख सकते हो आप, ये पुरानी कलाकारी उस टाइम की, ये काफ़ी मस्त है। और यहाँ से गेट देख सकते हो, ऊपर कबूतर वगैरह भी है। ये दरवाज़ा है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो आप। और ये है इसका कैंपस। तो यहाँ से होती है एंट्री हमारी मस्जिद में। मस्जिद का नाम थोड़ा सा अजीब है, मोट मस्जिद है, बट अच्छी है। आर्ट वर्क देख सकते हो यहाँ पे। और फिलहाल इस मस्जिद में कोई है नहीं, देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ा है, बस मैं हूँ और ये मेरे फ्रेंड दीपक भाई हैं। और ये देख सकते हो मस्जिद का एरिया कितना पुराना है, आज से 500 साल पहले का आपको आर्ट वर्क देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर डिजाइनिंग भी की गई है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हो। तो ये सब देख सकते हो, और अंदर भी चलता हूँ लेकर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। वाव, यहाँ तो काफ़ी अंधेरा है, बट ओ ये देख सकते हो गुंबज कितना ऊंचा है, और चार गुंबज हैं, एक ये रहा, एक ये, एक उधर भी है, और एक दो तीन इधर भी है, मतलब पांच गुंबज हैं ये देख सकते हो। दीवारें कितनी मोटी मोटी, कितने लंबे लंबे पत्थर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पत्थर है। तो देख सकते हो 500 साल पहले कैसा आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था, इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे से उठाकर सीधा यहाँ तक, बस एक ही पत्थर है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पर आर्ट वर्क, और इधर शायद ओ इधर कुछ है, ओ माय गॉड ये तो बड़ा हॉरिफाइंग है। ये दरवाज़ा है शायद ऊपर जाने का है, और ये गेट है, हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, सीढ़ियाँ काफ़ी खौफनाक लग रही है, उधर लाइट भी आ रहा है। चलेंगे इसके अंदर भी थोड़ी देर में, देखते हैं क्या है अंदर। और यहाँ पिलर्स देख सकते हो काफ़ी बोल्ड बोल्ड हैं, ये स्क्वायर शेप में है, इसमें डिजाइनिंग है, सब अलग अलग डिजाइन के हैं। एंड ये था हमारा मोट मस्जिद, अब इसके अंदर भी ऊपर भी जाकर देखने की कोशिश करेंगे कैसा फील होता है। पहले अपने फ्रेंड को बताते हैं। एक्चुअली गाइस यहाँ अभी एक दादी मिल गई थी जो इसकी शायद इस मोनूमेंट की साफ़ सफाई करती हैं, एंड वो अपनी कहानी सुनाने लग गई थी, तो काफ़ी बेबस थी, तो मतलब कुछ हेल्प चाहिए थी उनके, तो मैंने कर दी। अब मैं इसे शूट नहीं किया क्योंकि मुझे हेल्प करके मतलब शूट करना अच्छा नहीं लगता, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, सो डेट्स वाई। अब बाकी आप देख सकते हो मस्जिद मतलब इतना अंडररेटेड है कि यहाँ पर अभी आपको एक आदमी भी नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हो पूरी खाली है, इधर भी पूरी खाली है, हमेशा मतलब एक बंदा नहीं है भाई। और ऊपर से भी मैं आपको ले चलूँगा इसके अंदर, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देख सकते हो ये जेल जैसा जो है सीढ़ी, एक सेकेंड, ये इसके अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आएगा, तो देखते हैं अंदर क्या आता है। एक्चुअली बहुत हॉरिफाइंग है ये देख सकते हो आप, पूरा अंधेरा, डार्क अंधेरा बिल्कुल ही, उधर लाइट आ रही है। सो अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बुला लेता हूँ, तो चलते हैं साथ में। तो अब मैं फाइनली जा रहा हूँ इसके अंदर, लेट्स गो। तो यहाँ अब हम चल रहे हैं इसके अंदर, मैंने फ्लैश ऑन कर रखी है, और क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और रास्ता भी काफ़ी पतला है, ओह माय गॉड, ओहो बहुत ज़्यादा ही पतला रास्ता है, और ऊपर सीढ़ी की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी खौफनाक लग रहा है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। ओ इधर से तो फिर लाइट ही लाइट है, नीचे अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ मैं आ चुका हूँ ऊपर, ओ इधर भी कुछ और है, ये देख सकते हो रास्ता कितना पतला है, काफ़ी पतला है। और ये इसका शायद यहाँ पर सैनिक वैनिक रखते होंगे, यहाँ से रोड भी दिखता है। एंड इधर भी कुछ है, चलते हैं इधर, ये देख सकते हो आप, ओहो इधर शायद टॉप फ्लोर पर चले जाएंगे, इधर भी कुछ है, इधर भी आके देख लेते हैं एक बार। वाओ यहाँ भी एक है, और इधर ये बाहर जाने का शायद रास्ता है, आउटसाइड,
इट मींस मैं जेल में हूँ। ओ भाई मैं बंद हो गया भाई जेल में, ये देख सकते हो। तो गाइस आपके लिए ब्लॉग मारते मारते मैं जेल में आ गया, ये देख सकते हो मैं जेल के अंदर हूँ, बंद हूँ मैं। यहाँ से देख सकते हो बाहर का नज़ारा और मैं यहाँ जेल के अंदर बंद हूँ। इस काली पानी की काला पानी का सजा मिल रहा है। ये भाई भी आ रहा है नीचे, आ जाओ भाई आ जाओ। बंद है रास्ता, बिल्कुल बंद है भाई, जेल में बंद हो गए हम लोग। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है इस जेल के। ओह एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ता बहुत पतला है, गली बस यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म, और अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है कहीं, यहाँ पर करके नेचुरल लाइट आ जाता है, ये देख सकते हो। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर गुंबद के पास, इधर से हम लोग आए थे, इधर हो गया, अब चलते हैं इधर। हो बारिश हो रही है, बट आपके लिए कुछ भी गाइज, जा रहे हैं भींगने। ये देख सकते हो आप, हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे और काफ़ी जोर की बारिश हो रही है, मेरा फ़ोन भी भींग रहा है। और ये गुंबद, ये देख सकते हो मस्जिद का छत का एरिया, एक गुंबद इधर एक गुंबद इधर, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ देख सकते हो मस्जिद के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, देखने में मज़ा आ रहा है या। और इधर देख सकते हो इधर भी गुंबद है, इधर भी गुंबद है, छत काफ़ी बड़ा है, एरिया मतलब अच्छा है, ब्यूटीफुल है। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कितना बड़ा छत है, इधर पीछे साइड भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, लेट्स गो। तो यहाँ से आगे जा सकते हो आप, तीन गुंबद है, ये इधर लास्ट। एक्चुअली गुंबद काफ़ी सारी है, बट मेरे को मेरा फ़ोन भी बचाना है, तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश से मेरा फ़ोन चला जाएगा काम से, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है गाइज, गरीब हूँ। मिलते हैं आपको नीचे। तो यहाँ बारिश की वजह से हमें लौटना पड़ेगा, ये देख सकते हो इधर बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और अभी हम लोग भी फर्स्ट फ्लोर पर हैं मस्जिद के, और इधर पीछे बैक साइड में रोड है और बारिश हो रहा है, तो अब मैं वापस इस गली में जाने वाला हूँ। ये देख सकते हो खौफनाक गली, लेकिन नीचे एक बिल्ली मेरा वेट कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं वापस फिर से इसी खौफनाक रास्ते पे आ चुका हूँ, ये देख सकते हो गली कितना पतला है, इसी से ऊपर गए थे, अब इसी से वापस आ रहे हैं, और ऊपर से सीढ़ी भी ख़तरनाक है और अंधेरा तो है ही, ये देख सकते हो। और फाइनली बाहर आ गया मैं, मज़ा आया, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, बिहारी रहा बिल्ली जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देख सकती हो घूम रही है, इधर बिल्ली इधर बारिश, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, ये देख सकते हो जस्ट चिल। कबूतर भी हैं, बारिश में भींग रहे हैं सारे, वाह। यहाँ देख सकते हो यहाँ कब्र वगैरह भी है, ये देख सकते हो, और ये थी मस्जिद हमारी, और ये रहा यहाँ भी शायद किसी का कब्र ही है, ये देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस मॉन्यूमेंट का ये इस मॉन्यूमेंट का हिस्ट्री बता देता हूँ। ये बनाया गया था 1505 ईस्वी में, जब उस समय लोदी डायनेस्टी थी, और लोदी डायनेस्टी के शासक थे उस टाइम सिकंदर लोदी। तो ये देख सकते हो ये बनाया गया मस्जिद सिकंदर लोदी के टाइम पे 1505 ईस्वी में, और मस्जिद काफ़ी अच्छी है और काफ़ी छोटी है, मतलब छोटी नहीं बस एनफ है, कैंपस सही है, और मॉन्यूमेंट अच्छी बड़ी खासी है, देख सकते हो आप मेरे ऊपर कितनी बड़ी है, और ये देख सकते हो कि अब से मतलब अप्रॉक्स 500 साल पुराना है ये, यानी कि 1505 से अभी 2000 कुछ चल रहा है, तो इतने पुराने होने के बाद ही मस्जिद में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा है। तो दोस्तों यही थी हमारी मोट मस्जिद, यहाँ से शुरू और इधर से यहाँ तक ख़त्म, बस इतना ही था। और अगर आप यहाँ आना चाहोगे तो इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है एम्स दिल्ली, जहाँ से आपको आराम से ऑटो लेना पड़ेगा या फिर बस लेना पड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ आ सकते हो। और ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी कोई लोग वोग दिखते नहीं है, बिल्कुल शांति रहता है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, और फिलहाल तो अभी बारिश भी हो रही है, देख सकते हो। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून। और ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू, बाय बाय।